आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले वो एग्जांपल है हमारे पास प्रूव दैट यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स स्क्वायर प्लस यू थ्री एक्स क्यूब प्लस चलते हुए आ रहा है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स यू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू वन प्लस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब डेल स्क्वायर यू वन एंड प्लस डॉट डॉट चलते हुए जा रहा है, ये प्रूव करना है हमें फ्रेंड्स। तो प्रूव करते हैं सॉल्यूशन बाई आर एच एस। हम आर एच एस ले रहे हैं, तो आर एच एस ले रहे हैं तो ये कर सकते हैं एक्स अपॉन वन माइनस एक्स यू वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल यू वन प्लस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब डेल स्क्वायर यू वन प्लस, ये चल गया फ्रेंड्स। इसमें हम अगर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स कॉमन ले लें, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स यहाँ कॉमन ले लें और यू यू वन है जो हमारे पास, ये पीछे कॉमन ले लेते हैं हम यू वन, तो याद आएगा हमारे पास वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का एक्स डेल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलता हुआ, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह से। अब फ्रेंड्स ये हम जो देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ये तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स यही, ये हमारे जो पास प्रसार है ये, इसको जैसे इसको हम एक्स मान लें पूरे को, इसको एक्स स्क्वायर मान लें, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ये चलता हुआ, तो ये हो गया वन माइनस एक्स का होल इनवर्स, तो ये हो गया वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डेल का होल इनवर्स यू वन, ये हमारे पास इसका प्रसार था फ्रेंड्स। ये हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि वन माइनस ए का अगर इनवर्स करें तो ये आ जाता है हमारे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट चलता हुआ रहता है, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अब ये कर सकते हैं एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, अगर हम इसमें वन माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर दें यानी कि एलसीएम ले लें वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स माइनस एक्स और डेल हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में है ही, सॉरी फ्रेंड्स डेल डेल एक्स है, ये डेल एक्स यहाँ पर है, तो और ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्स यू वन। अब ये हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब फ्रेंड्स इसको करते हैं एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, अब हम इनवर्स को उल्टा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस एक्स डेल, ये रहा हमारे पास यू वन, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स से वन माइनस एक्स कट जाएगा, ये बच गया एक्स वन माइनस एक्स माइनस डेल यू वन, तो फ्रेंड्स ये आ गया एक्स, ये इनवर्स है यहाँ पे, ये हमने ऊपर लाए हैं इसको, हम ऊपर लाए हैं तो ये इनवर्स हो गया, ये हो गया एक्स वन माइनस, अगर हम इसमें से यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बजाय वन वन प्लस डेल, फ्रेंड्स वन प्लस डेल बच जाएगा ये इसका इनवर्स ऑफ यू वन। वन प्लस डेल क्या होता है फ्रेंड्स, वन प्लस डेल बराबर क्या होता है हमारे पास ई होता है, वन प्लस डेल बराबर ई होता है, तो ये हो गया एक्स वन माइनस ई का इनवर्स यू वन, ये हो गया हमारे पास एक्स बाहर है, ये अब इसको खोलेंगे तो हम इसी फॉर्मूले से खोलना है हमें, तो हो जाएगा वन माइनस ई सॉरी वन प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यू प्लस चलता हुआ ये आ जाएगा यू वन। अब फ्रेंड्स यहाँ यू वन के अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा एक्स यू वन प्लस ई यू वन प्लस ई स्क्वायर यू वन प्लस ई क्यू यू वन प्लस डॉट डॉट चलता हुआ ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स यू वन, ई यू वन क्या प्लस ई यू वन क्या होता है फ्रेंड्स, यू टू होता है, इसलिए इस तरह ई स्क्वायर यू वन यू थ्री प्लस डॉट डॉट चलता हुआ ये रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स यू वन प्लस एक्स यू टू प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, वो हमारे पास ये एक्स को हम लिखना भूल गए, तो ये एक्स यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स यहाँ पे एक्स रहेगा यहाँ पे एक्स सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब एक्स माइनस क्यूब सॉरी माइनस हाँ एक्स का क्यूब रहेगा, ये इस तरह से चलेगा, तो यहाँ पे भी एक्स आएगा अपने पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स का यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स यहाँ पे, तो एक्स एक्स यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा यहाँ एक्स रहेगा,
यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा, इस तरह चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स एक्स यू वन एक्स स्क्वायर यू टू प्लस एक्स क्यू यू थ्री प्लस चलता हुआ ये आ जाएगा, जो कि हमें हमारे पास LHS था, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब फ्रेंड्स हम नया एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारे पास आया अजमेर में, अजमेर में 2009, जोधपुर में भी आया है ये हमारे पास 05 और 08, और कोटा में आया है 05 में कोटा। तो ये फ्रेंड्स ये सॉल्व करते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यू एक्स माइनस जो लास्ट का पद है ये इधर ले लेते हैं, माइनस डेल एन यू एक्स माइनस एन इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास यू एक्स माइनस डेल एन, ई एक्स माइनस एन को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई माइनस एन यू वन, यू एक्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस एन तो यू एक्स लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो वन माइनस डेल अपॉन ई की पावर होल पावर एन यू एक्स, ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स ई की पावर एन इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई की पावर एन, या पहले इसको हम लिख लेते हैं वन माइनस डेल एन अपॉन ई की पावर एन यू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर एन माइनस डेल एन अपॉन ई की पावर एन ऑफ यू एक्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ई की पावर एन वन अपॉन एन को वन अपॉन ई की पावर एन इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया हमारे पास ई की पावर एन माइनस डेल एन अपॉन वन यू एक्स। अब फिर हम जानते हैं कि e इक्वल टू वन प्लस डेल होता है, अगर हम e माइनस डेल यहाँ पे पुट कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, e माइनस डेल बराबर वन ही होता है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन e की पावर n, e की पावर n माइनस डेल n अपॉन e माइनस डेल, ये हो गया, तो ये यू एक्स। अब फिर ये हो गया हमारे पास, तो अब इसको क्या क्या कर सकते हैं, ये तो e की पावर माइनस n है, एंड फिर से अगर इसका प्रसार करें हम, इसका प्रसार करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर एन माइनस वन, यानी ई की पावर माइनस डेल का हम एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो ई की पावर एन माइनस वन प्लस डेल ई की पावर एन माइनस टू प्लस डेल स्क्वायर ई की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस डेल एन माइनस वन एंड ई माइनस डेल अपॉन ई माइनस डेल, और ये हो गया यू एक्स। तो फ्रेंड्स डेल ई माइनस डेल से ई माइनस डेल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई माइनस एन, ये अंदर है ई की पावर एन माइनस वन प्लस डेल ई की पावर एन माइनस टू प्लस डेल स्क्वायर ई की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये हमारे पास है डेल एन माइनस वन, ये यहाँ तक है, ये यू एक्स। अब फिर एक बार माइनस एन का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, एक बार माइनस एन का मल्टीप्लाई किया तो ये ई माइनस वन बच गया, ई माइनस वन प्लस डेल, यहाँ पे ई एन माइनस टू बच जाएगा, एक बार माइनस टू बच जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस एन से माइनस वन गए तो माइनस वन बच गए, यहाँ पे माइनस एन से माइनस एन चले माइनस टू बच जाएगा प्लस डेल स्क्वायर एक बार माइनस थ्री प्लस चलते हुए यह आ जाएगा हमारे पास डेल एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन ऑफ यू एक्स। अब फिर ई की पावर ई इन या यू एक्स का अंदर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ई इनवर्स यू एक्स प्लस डेल ई माइनस टू यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर ई माइनस थ्री यू एक्स प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये हो जाएगा डेल एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन यू एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स ई की पावर एम माइनस वन जो यू एक्स होता है ये यू माइनस वन होता है, अगर जीरो होता है तो माइनस वन होता है, तो यू एक्स माइनस वन हो जाएगा यू एक्स माइनस वन प्लस डेल यू एक्स माइनस टू प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट चलते हुए हो जाएगा डेल एन माइनस वन
यू एक्स माइनस एन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास क्या लिया था, हमने पास यहाँ से लिया था यू एक्स माइनस डेल एन, यू एक्स माइनस एन से स्टार्ट किया था। तो यू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे यू एक्स माइनस डेल एन यू एक्स माइनस एन बराबर, डेल एन यू एक्स माइनस एन बराबर आ गया हमारे पास, ये जो टर्म आई थी ये आ गई हमारे पास यू एन माइनस वन प्लस डेल यू एक्स माइनस टू प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट चलते हुए यह आ जाएगा डेल एन माइनस वन यू एक्स माइनस एन। तो फ्रेंड्स यू एक्स बराबर क्या आ गया, अगर हम इस टर्म को भी इधर ले जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास यू एन माइनस वन प्लस डेल यू एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस वन है, प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट चलते हुए आ जाएगा डेल एन माइनस वन यू एक्स माइनस एन प्लस डेल एन यू एन, ये आ गया फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम थी इसमें करेक्शन है, ये है हमारे पास, हाँ ये करेक्शन प्लस यहाँ पे एक टर्म थी डेल एन माइनस वन वन यू एक्स माइनस एन, ये यहाँ तक चलते हुए फिर लास्ट टर्म ये थी। तो ये जो हमें प्रूव, यही हमें प्रूव करना था फ्रेंड्स, जो जो कि हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।